भाई कुछ कुछ गिफ्ट तो देना पड़ेगा भाई, भाई कुछ गिफ्ट देना पड़ेगा भाई। ये गिफ्ट मैं आपको दे रहा हूँ कर्मा भाई, कैमरे के सामने भाई, ये लो आप गिफ्ट ले रख लो भाई, आप जीत गए हो मेरे हिसाब से तो। सो वॉट इज़ अप गाइज, वेलकम बैक टू वंश रिएक्ट्स। और भाई डैम, मैं बैठ रहा था भाई बेला की केमिकल रिएक्शन मिक्स टेप पे भाई रिएक्शन बनाने, बट भाई आई थिंक वी गॉट अ सरप्राइज। ओ माई गॉड भाई, आई एम रियली एक्साइटेड। पहली बात तो क्योंकि मुझे लग रहा था भाई कर्मा रिप्लाई नहीं करेगा, और जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि लाइक यंग गालिब कैसे उसको कर्मा को बुला रहा है मैदान में कि तेरी फट रही है तू मैदान छोड़ के मत जा, एंड हेयर इट इज़, कर्मा इज़ बैक। आई एम रियली एक्साइटेड भाई। पहली बात तो यार वॉट वॉट पहली बात तो भाई कि क्या नाम रखते हैं भाई, मैं कल पिछली वीडियो में बताना भूल गया, मतलब मैं नाम की कोई बात नहीं की, टाइटल ट्रैक की कोई बात नहीं करी, बबली अबे भाई ये कौन सा नाम है, लाइक तुम दिमाग नहीं लगाते क्या नाम सोचने में भी। देख ले तुम कर एज़ कम्पेयर टू कर्मा के डिस्ट्रैक्स के नाम देखो, हाउ टू टेम योर बीस्ट, यंग गलीज, ये होती है ना चीज़ भाई, तुम बस लिखने पे ध्यान लगाते हो, ट्रैक्स में तो नाम नहीं लगा रहे, दिमाग नहीं लगा रहे। मेरे कमेंट में एक बंदे से डिबेट भी हो रही थी इस बात पे, तो भाई विदाउट वेस्ट ऑफ फर्दर टाइम आ जाओ भाई, मुझसे वेट नहीं हो रहा, आई एम रियली एक्साइटेड भाई, आ जाओ। Violence, violence, violence. KGF. I don't like it. I avoid. But violence likes me. I can't avoid. Proper direction के साथ वीडियो बनी है। वो थी एक वार्निंग तो ट्रैक पे रहम रखा, सोचा ये सैवेज है इस गांडू ने वहम रखा, सारनी चमक रहा तो चश्मा क्यों है वीडियो पे, सुना ग्रुप्स पे लिखा तूने कज अकेला तू सहम रखा। Oh my God. कि भाई तू सैवेज है, तूने तूने वहम रखा इस बात का, तू नहीं है सैवेज, अगर मैं स्टार चमक नहीं रहा तो तूने वीडियो में चश्मा क्यों पहन रखा है। ओ माय गॉड, तो ट्रैक पे रहम रखा, सोचा ये सैवेज है इस गांडू ने वहम रखा, सारनी चमक रहा तो चश्मा क्यों है वीडियो पे, सुना ग्रुप्स पे लिखा तूने कज अकेला तू सहम रखा, जानता के कौन तेरा गुरु है, तेरा लास्ट उसी का हूबहू है। लास्ट उसी का हूबहू है, कौन गुरु कौन है, इज ही टॉकिंग अबाउट बंटाए। बेटा गोटे आने वाले तेरे मुंह में, कस तेरे करियर से बड़े तो तेरे बूब्स हैं, असल में यंग गालिब चंगा ले, इसको बोला मत पंगा ले, काम है भंगा ना बनना मैं करना फंदा। बेटा गोटे आने वाले तेरे मुंह में, कस तेरे करियर से बड़े तो तेरे बूब्स हैं। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि इस गाने में क्या कुछ ज़्यादा ही बॉडी शेमिंग होने वाली है, क्योंकि भाई मैंने पिछली बार भी बोला था पिछली वीडियो में अपनी, जिसने रिएक्शन चेकआउट नहीं करे ज़रूर चेक करना, कि यंग गालिब कॉल्ड हिम हकला, तो मेरे को आई गेस लग रहा है कि इसमें थोड़ी ज्यादा बॉडी शेमिंग होने वाली है। असल में यंग गालिब चंगाल है, इसको बोला मत पंगा ले, काम है भंगा ना बनना मैं करना फंदा है, जंजाल है लिख पूरी लेबल बुला के, सिंगल हैंडेड ही तबाए लूंगा, अकेला संभाल तू बंदे 45 मंगा ले। पहली बात तो कर्मा फंदा है, झंझाल है, वो तेरे को फंसा लेगा अपने में, और क्या कहते हैं कि तू बंदे 45 बुला ले, वो जो भाई वर्ड प्ले था ना 34 35 36, तेरी 32 ही तोड़ के, एंड ही सेइंग कि तू अकेला क्यों आ रहा है, तू चाहे बंदे 35 45 बुला ले। डैम भाई, ये चीज़ तो मेरे को ऐसे कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखती है ना, कि किसी और ने स्टार्ट की फिर कोई और कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, फिर वही बंदा कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, मेरे को बहुत पसंद आती है। डैम भाई, पूरी लेबल बुला के, सिंगल हैंडेड ही तबाए लूंगा, अकेला संभाल तू बंदे 45 मंगा ले, तू लेबल का नौकर मैं इंडिपेंडेंट, नया कार्ड देख रिवर्स में यूनो दिखा रहा तूने। भाई की कि तू भाई लेबल का नौकर है, मैं इंडिपेंडेंट, मैं उनो रिवर्स फेंक दिया भाई, पहले तुम हमें बोलते थे, अब तो मैं इंडिपेंडेंट हूँ भाई, तू लेबल का नौकर है। लेबल का नौकर मैं इंडिपेंडेंट, और भाई वीडियो में पीछे पहाड़ देख रहे हो, नया कार्ड देख रिवर्स में यूनो दिखा रहा तूने, खुद नहीं लिखा तभी लिप सिंक नहीं हुआ, तभी मास्क पहन लिया तभी मुंह नहीं दिखा रहा फर्स्ट। डैम भाई, ओ हाँ देखो भाई, मेरी एक बंदे से ना कमेंट में एक डिबेट चल रही थी, वो बंदा अपना ओपिनियन दे रहा था कि भाई मास्क भी नहीं पहन रखा था, एंड आई वाज लाइक हाँ भाई मैंने चीज़ नोटिस नहीं करी, लेकिन हाँ पूरी वीडियो में तो उसने मास्क पहना हुआ था, तुम कमेंट्स में देख भी सकते हो। मैं डैम भाई, और वही चीज़ पकड़ ली, और कर्मा इज सेइंग दैट कि भाई तूने तू ग्रुप्स में बैठ के लिख रहा है, तूने खुद अकेले नहीं लिखा, तभी तो तेरे को भाई अपने लिरिक्स याद नहीं है। एंड ऑन द अदर हैंड कर्मा ने भी जैसे भाई 24-25 घंटे में ही रिप्लाई किया है, 12 बजे म्यूज़िक वीडियो ड्रॉप हो गई थी, और मतलब पूरा कुछ मास्क नहीं है, सब लिरिक्स याद है उसको, तो अच्छा उस बात को ऐसे घुमाया जा रहा है। डैम भाई, खुद नहीं लिखा तभी लिप सिंक नहीं हुआ, तभी मास्क पहन लिया तभी मुंह नहीं दिखा रहा फर्स्ट ऑफ, फक योर हुड एंड द क्लिक यू क्लेम, तेरी आवाज क्या ये एमिनम की लाइन सी, पहन लिया तभी मुंह नहीं दिखा।
करा फर्स्ट ऑफ फक योर हुड एंड द क्लिक यू क्लेम, क्योंकि उसने बोला था ना एमिनम की राइम स्कीम सिखा रहा मुझे, तो ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये वाली जो लाइन है एमिनम की है। तेरी आवाज कांप गई, आई कैन सी दैट योर टेम इंग्लिश नहीं आती गवारों को, सो लेट मी एक्सप्लेन पब्लिक के बीच तपाल तू अब कंट्रोल में है। ओ इंग्लिश नहीं आती गवारों को, सो लेट मी एक्सप्लेन पब्लिक के प्यूबिक है, प्यूबिक के ये बेस था पालतू अब कंट्रोल में है, कि बनता है कि पब्लिक का ये बेस था पालतू बेस था अब कंट्रोल में है, क्योंकि बंटाई ने पहले भी बोला था आई गेस यू आर टेम, और अपने पुराने टाइटल ट्रैक का भी यही नाम था हाउ टू टेम योर बीस, और पब्लिक की जगह उसको प्यूबिक लिखा हुआ है क्योंकि ये पब्लिक से एल लेके बैठे। बीस था पाल तू अब कंट्रोल में है, मेरा मन नहीं था पर इसने पहाड़ को ललकारा, इनका कर्म आया सामने भगवान बनके, ये पिक्चर करण अर्जुन नहीं बलि तेरी ही चढ़ेगी साला शाहरुख शेख का या सलमान बनके। ओ ही सेइंग दैट कि भाई मैं आने नहीं वाला था, तूने तो पहाड़ को ललकारा, डैम भाई तो मतलब ओ माय गॉड, तो मैं इसलिए आया। और दूसरी की ये भाई कोई करण अर्जुन की मूवी नहीं है कि भाई एक भाई आया तो दूसरे को बचा लेगा, लाइक तुम समझ रहे हो करण अर्जुन करण अर्जुन वाला रेफरेंस। और भाई दूसरी चीज़ की भाई कई चाहे शाहरुख शेख आए या सलमान बन के आए, मैं यहाँ पे मतलब किसी को भी छोड़ूंगा नहीं, लाइक शाहरुख शेख आए। देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ, पिछली बार ये शाहरुख और सलमान का रेफरेंस उन्होंने सलमान खान और शाहरुख खान का रेफरेंस देकर दिया था यंग गालिब ने, और मतलब इसी बात को यहाँ पे नकारा जा रहा है इस बार में कि भाई शाहरुख शेख है या सलमान है, लाइक तुम कोई शाहरुख खान सलमान खान नहीं, इसने कर्मा ने दोनों के पूरे नाम ले लिए, तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। मेरा मन नहीं था पर इसने पहाड़ को ललकारा, इनका कर्मा आया सामने भगवान बनके, ये पिक्चर करण अर्जुन नहीं बलि तेरी ही चढ़ेगी साला शाहरुख शेख का या सलमान बनके, बलि तेरी ही चढ़ेगी बकरे की बलि, ओ सलमान बनके, ओ भाई डैम भाई, ओ माय गॉड, ये पिक्चर करण अर्जुन नहीं बलि तेरी ही चढ़ेगी साला शाहरुख शेख का या सलमान बनके, विवेकानंद ले रहा ओब्रॉय के लाउंज पर और इसकी हाइट इतनी झांट के फेर बॉल भी बाउंसर। ओ भाई शिट, विवेकानंद ही सेइंग कि भाई मैं विवेक ओब्रॉय नहीं हूं, मैं विवेकानंद हूं, स्वामी विवेकानंद, ओ माय गॉड, विवेक आनंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेक आनंद ले रहा ब्रॉयस के लाउंज पर, और विवेक आनंद आई गेस विवेक आनंद इज अ डायरेक्टर, लाइक शायद उसने कोई मूवी डायरेक्ट किया है, विवेक आनंद इज अ डायरेक्टर भाई मेरे को ज़्यादा नहीं पता, पसंद ले रहा ओब्रॉयस के लाउंज पर विवेक आनंद, यस विवेक आनंद इज अ डायरेक्टर, और भाई ही सेइंग कि भाई चल तुम शाहरुख खान सलमान खान हो गए एक्टर, मैं विवेक आनंद हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, मैं तुमसे बड़ा हूँ उसमें। ओ भाई जैसे क्लेम नहीं कर रहे थे कि जैसे बाकी हानमा यंग गालिब ने अपने आप को बोला था, तो कर्मा क्लेम दैट आई एम यूजरो, आई गॉट अ बीस बैक, आई एम यूजरो हानमा, तो क्योंकि वो उसका बाप होता है, एंड नाउ ही इज क्लेमिंग दैट मैं डायरेक्टर हूँ, तुम सारे मूवी एक्टर्स हो, मैं डायरेक्टर हूँ, मैं तुम्हारे पहली बात तो उस चीज़ में बड़ा हूँ। और विवेकानंद यार, विवेकानंद स्वामी विवेकानंद, वो तो तुम्हें पता ही होगा, आनंद ले रहा ओब्रॉयस के लाउंज पर और इसकी हाइट इतनी झांट के फेर बॉल भी बाउंस, और इसकी हाइट इतनी झाट की है फेयर बॉल भी बाउंसर, कि कर्मा ने पहले अपने हाउ टू टेम योर बीस में बोला था ना कि ऑल योर लिल होस्ट टेक सम इंच ब्रो, तो मतलब पहली बात तो हाइट वाला डिस तो उसने तभी कर दिया था, प्लस भाई कर्मा ने ये भी बोला था कि ये लाइन मैंने खींच दी है इसको क्रॉस मत करना, तो ये कह रहा है कि मैं तो फेयर बॉल डाली थी तुझे ही बाउंसर लगी, तो क्योंकि तेरी हाइट इतनी छोटी छोटी है, मैं तो फेयर बॉल डाली थी कि तेरी हाइट के ऊपर से निकल गई वो बाउंसर बन के, डैम भाई अकाउंट्स की बात करे खरीद लूंगा तुझे खाने के काउंटर छोड़ेगा तभी दिखेंगे काउंटर। ओ भाई कर यंग गालिब ने आखिरी में बोला था ना अगली बार आएगा तो काउंटर्स लेकर आना, कह रहा है तू खाने के काउंटर छोड़, ओ माय गॉड खाने के काउंटर छोड़ते को तभी तो काउंटर्स दिखेंगे, क्योंकि भाई यंग गालिब ने कर्मा को बोला था ना छोले स्टॉल वाले, तो इससे इनके भाई खाने के काउंटर तू छोड़, चल मैं तो छोले स्टॉल वाला हूँ तू तो खा, यार कर्मा क्या बोलती अनवरी उठा अपनी मंडली, हर रात ते शैंपेंस तो तभी करना बबली, अलग तोरा जंगली सारे कर रही उंगली, आज सबको मिलके अपन चौसट पे बैठाते। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, चौसट पे बिठा रहे, तुम समझ गए होगे ना चौसठ किसे कह रहे हैं, लाइक
रेड लाइट एरिया ना 64 उसको रेफर किया जा रहा है ना। बोलती अनवरी उठा अपनी मंडली हर रात ते शैंपेंस तो तभी करना बबली हलाक थोरट यंगली सारे कर रही होंगे। ओ भाई सबका नाम ले लिया हलाक थोरट यंग गलीज सारे कर रहे उंगली आज सबको मिलके अपन चौसठ पे बैठाते। एक ही बात बार बार ले सब बक सकता नहीं भैया लेबल हुट के आगे कुछ बक सकता नहीं एक वो वक्त था भाई। ओ भाई क्लेमिंग दैट कि भाई तू तेरे डिस्ट्रैक्ट में कुछ था ही नहीं भाई तू बस भैया लेबल और मतलब तू मेरे तक बात ही नहीं रख रहा तू लेबल हुड पे बात लेके जा रहे तो हमेशा पहाड़ों पे बात लेके जा रहे तो हमेशा रफ्तार को रेफर कर रहा है तू मेरे तक बात ही नहीं रख पा रहा। डैम सबक सकता नहीं भैया लेबल हुड के आगे कुछ बक सकता नहीं एक वो वक्त था भाई जब मैं बीफ से था दूर रब कसाई बना साला कोई बच सकता नहीं करा घाट घाट काम बीपीओ 280M स्टार एक रात की पॉलिश में शाइन नहीं हुआ माना गलतियां करी होंगी मैंने भी तमाम पर किसी चूतिए रैपर के अंडर साइन नहीं हुआ जब इनका। ओ भाई ये तो मेरे को बेइज्जती फील हुई। भाई कोई मुझे ऐसा बोल के दिखा दे शिट। ओ माय गॉड भाई ही इज सेइंग दैट कि ओ माय गॉड भाई तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो भाई कि भाई मैं बीपीओ से एटीएम वो चौकीदार वाला जो रेफरेंस था कि भाई मैं एक बार में शाइन नहीं किया मैं तो बहुत घिसी है भाई। और आई गेस झोपड़पट्टी वाला रेफरेंस भी यही था कि कह रहा था ना कि मैं झोपड़पट्टी से तो मैं भी हूँ तो इस सेइंग कि भाई मैंने भी घिस घिस के काम किया गलतियाँ मैंने भी किया लेकिन एक चूतिया रैपर के अंडर साइन नहीं हुआ मैं। कर्मा ले लो भाई अवार्ड है ना भाई ये लो मेरे ईयरफोन्स भाई अवार्ड ले लो भाई ले लो। BPO 280M स्टार एक रात की पॉलिश में शाइन नहीं हुआ माना गलतियां करी होंगी मैंने भी तमाम पर किसी चूतिए रैपर के अंडर साइन नहीं हुआ जब इनका नाम भी नहीं लिया छोड़ी लाश इनकी I can see तेरी राइटिंग वीक और पैशन नहीं वी मेकिंग चीज और चेहरा पीला पड़ा तेरा बिल्कुल मैक एंड चीज। ओ भाई जब इनका नाम नहीं लिया था तब भी मैंने इनको मतलब इनकी ले डाली थी वो गूगल पे की बात ही चल रही है नो प्लस भाई ही सेइंग कि भाई मेरे मतलब वो वाली याद है यंग गालिब ने कहा था तेरी आंखें लाल पड़ रही है तो उसका रिप्लाई करके गा रहा है वी आर मेकिंग चीज़ वी आर मेकिंग डो वी आर मेकिंग मनी लेकिन तेरी शक्ल पूरी नीली है जैसे मैक एंड चीज़ सॉरी पीली है जैसे मैक एंड चीज़। ओ भाई वीक और पैशन नहीं वी मेकिंग चीज़। ओ भाई कितना स्मूथली फ्लो चेंज किया कितना स्मूथली। ओ राइम स्कीम ओए वो वाली राइम स्कीम तो नहीं पकड़ी है। डैम भाई तेरा पीला पड़ा तेरा बिल्कुल मैक एंड चीज नकल पंच दिया तुझे बोले नकल चीज दिस फ्लो सो स्मूथ ये लगे बिल्कुल मक्खन चीज और उस बंटी को बोलो के डोंट सेंड किस जो बाप दादा का बदला ले तू वो फैजल नहीं फैजल शेख शीशे में जाके शक्ल देख। ओ भाई शेट उस बंटी को बोलो कि बाप दादा ओ माय गॉड कि अपने बच्चों को मत भेजे तू वो वाला फैजल नहीं है जो अपने बाप दादा का बदला लेगा। फैजल शेख ओ माय गॉड उसको भाई उसकी कास्ट के साथ जोड़ दिया लाइक वो शाहरुख शेख है तो उसको फैजल शेख बोल दिया। ओ माय गॉड भाई मुझे तो मेरे को नहीं पता कि लाइक मेरे को लग रहा था कि सलमान फैजल है उसका नाम यंग गालिब का नाम लेकिन उसने फैजल शेख बोल दिया। भाई मेरे को सही कर देना कमेंट्स में अगर मैं गलत हूँ लेकिन भाई आई गेस फैजल शेख नहीं है नाम वो अपने बच्चों को रेफ़र कर रहे हैं ना इसमें तो उनके कास्ट को जोड़ दे क्योंकि भाई तुम्हारी कास्ट तुम्हारे पापा से मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। फैजल शेख बोल दिया ओ माय गॉड बाप दादा का बदला ले तू वो फैजल नहीं फैजल शेख शीशे में जाके शक्ल देख एंड लुक हाउ अग्ली दिस बीफ बी टर्निंग और इनकी कान जल रही। डैम बंटी की तरह गंदे खेल मत खेल अभी से ओवेसी की तरह तू हेट फैला रहा यू कॉल मी वॉचमैन तो हुआ तेरा अटेम्प्ट फेल का चौकीदार ही बैठ के यहां देश चला रहा। ओ माय गॉड यही सुनना बाकी रह गया था। डैम भाई कि तू बंटी की को देख मत एज एन आइडल क्यों तू ओवेसी की तरह हेट फैला रहा क्योंकि बीफ बहुत गंदा टर्न ले रही है अगली टर्न ले रही है बहुत तू बंटी को एज एन आइडल मत देख तू शीशे में देख। डैम भाई कि तू ओवेसी की तरह हेट फैला रहा और भाई तूने चौकीदार मुझे बोला तो चौकीदार ही तो देश चला रहा है। डैम दैट्स फैक्ट भाई यार You call me watchman, तो हुआ तेरा attempt fail का चौकीदार ही बैठ के यहाँ and he saying कि भाई MEV monetize ओवेसी भाई जो कुछ कर नहीं पा रहे बस हेट स्पीच फैला रहे हैं बाकी मैं तो चौकीदार हूँ मैं तो देश चला रहा हूँ। डैम भाई देश चला रहा हम पर्वत से पर पर्वत नहीं दिल पत्थर पर रब डर मत भाई कर्मा से टक हम पर्वत से पर पर्वत नहीं। डैम भाई और अनदर राइम स्कीम अनदर फ्लो चेंज भाई अब
बैठ के यहाँ देश चला रहा अंबरवत से पर पर्वत नहीं दिल पत्थर पर रबर मत भई कर्मा से टक्कर बरकत नहीं चारों खाने चित करवट नहीं जन्मों जन्मों की सना के निकलती जब भी पन्नों पे पता नहीं लगता बंदों का यंगाडू जैसे कितने थे जो मांग रहे थे हाइप जा रहे थे लाइफ गुजार रहे हैं लाइफ साले आदमी नहीं वाइफ की या जान के रिप्लाई ताकि मार दूं। ये कौन सी राइम्स की मैं यार कि मेरे को ऐसे लग रहा है मैंने कहीं सुनी हुई है। भी पन्नों पे पता नहीं लगता बंदों का यंगाडू जैसे कितने थे जो मांग रहे थे हाइप जा रहे थे लाइफ गुजार रहे हैं लाइफ साले आदमी नहीं वाइफ की या जान के रिप्लाई ताकि मार दूं ये कीड़े तेरा एग्जांपल बनाया कोई आगे ना भीड़ ए अब जाके भरा जी जी जा किया तुझे फ्री फ्री नो मोर राउंड 3 3 तू यंग है बट नॉट जी माय गॉड कर्मा भाई भाई कुछ कुछ गिफ्ट तो देना पड़ेगा भाई भाई कुछ गिफ्ट देना पड़ेगा ए भाई ये गिफ्ट मैं आपको दे रहा हूँ कर्मा भाई कैमरे के सामने भाई ये लो आप गिफ्ट ले रख लो भाई आप जीत गए हो मेरे हिसाब से तो नो मोर राउंड 3 यार ये ऐसे क्यों बोल देते यार राउंड 3 देखना है मेरे को भाई लाइक या पहली बात तो ये रिक्वेस्ट है कि भाई यंग गालिब ऐसा गाना निकालो कि कर्मा वापस आ जाए एंड ही सेइंग कि भाई कर्मा से तूने टक्कर लिया तो ये जन्मों जन्मों की वो है सनक है जो पन्नों पे निकलेगी और तू करवट नहीं ले पाएगा मतलब ऐसे चारों तरफ से तेरे को पकड़ेगी। डैम भाई तुम बताना भाई तुम्हें गाना कैसा लगा। इट वॉज़ रियली अनएक्सपेक्टेड फॉर मी भाई मुझे तो मेरे दोस्त का फ़ोन आया कि भाई जल्दी चेक कर नया ट्रैक आ गया। भाई देखो मैं तुम्हें बताता हूँ मुझे एक्सपेक्टेड था कि गाना नहीं आएगा क्योंकि भाई अगर तुम कर्मा की कल स्टोरी देखोगे तो ऐसी पोस्ट डाल रहा था कि लाइक ही वॉज ट्रैवलिंग कभी भाई जैसे मॉल की डाल रहा है आई डोंट नो भाई वो एयरपोर्ट था या मॉल था गाड़ी में डाल रहा है गाड़ी में बैठे हुए डाल रहा है आई गेस भाई मुझे ऐसा लग रहा था ही वॉज ट्रैवलिंग लेकिन भाई वो ही वॉज गोइंग फॉर द ऑफिशियल म्यूज़िक वीडियो शूट पे और भाई तुम डिफरेंस देख रहे हो ना म्यूज़िक वीडियो का भाई जैसे पहले वाली हाउ टू टेम और 20 में जो म्यूज़िक वीडियो थी वो एक ऐसी फ्लैट के छत पे रिकॉर्ड करे आई गेस भाई उनका भाई होगा क्योंकि ऐसी वीडियोस ऑलमोस्ट फ़ोन से या नॉर्मल छोटे मोटे कैमरे से भी वो हो जाते लेकिन भाई शूट हो जाते लेकिन ये वाली जो वीडियो है प्रॉपर डायरेक्शन में शूट हुई है भाई पीछे पहाड़ दिख रहे हैं तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। डैम भाई पहली बात तो म्यूज़िक वीडियो नेक्स्ट लेवल गाने की तो तुम बात ही मत करो भाई आई गेस अगर बीफ यहीं रुक जाते तो कर्मा इजीली भाई इजीली ट्रॉफी उठा गया। दूसरी बात भाई कि फ्लो स्विचेस राइम स्कीम्स एवरीथिंग वाज परफेक्ट भाई प्रॉपर डायरेक्शन में म्यूज़िक वीडियो और भाई टाइटल नाम भाई जो देखो कुछ चीज़ों के पॉइंट्स होते हैं कि भाई आप बहुत जल्दी लिरिक्स लिख रहे हो बहुत जल्दी गाना ड्रॉप कर रहे हो ठीक है आपको गाने याद नहीं रह रहे ठीक है उसमें यंग गालिब हार रहा है एंड म्यूज़िक वीडियो चल म्यूज़िक वीडियो की तो बात ही नहीं करेंगे टाइटल ट्रैक्स के आपके नाम के वही नहीं बनाते लाइक हाउ बीस मोड वॉज रियली गुड लेकिन जो वो बबली ट्रैक था वही ऐसी रैंडम्स नाम लड़कियों के नाम डालने से तो कुछ मतलब फनी लगता है एक दो बारी को लेकिन उसके बाद फिर वो तुक नहीं बनाता लाइक यंग गलीच इज़ अ गुड ट्रैक नेम तो मेरे को ऐसा लगता है कुछ दो चार पॉइंट्स और लिरिक्स के हिसाब से कर्मा ले गया भाई ये अनटिल आगे बीफ नहीं होती भाई मेरे ओपिनियन चेंज हो सकते हैं मैं तो इस ट्रैक के दम पे अपना ओपिनियन बेस रख रहा हूँ तुम बताना भाई तुम्हें कैसा गाना लगा अपने ओपिनियंस कमेंट में बताना और भाई कमेंट्स में हो सके तो भाई हम हेल्दी डिबेट करेंगे तुम अपने ओपिनियन शेयर करना मैं अपने ओपिनियन शेयर करूँगा। इफ़ यू न्यू टू दिस चैनल वी आर रियली क्लोज टू 1500 सब्सक्राइबर्स करवा दो भाई बाकी मिलते हैं अगले रिएक्शन वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय।